स्कैनर में तो इसका बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है, मुझे तो इसके ऊपर शकर है। अरे तो इसको सर पे लेके चलते हैं। ओए आजा भाई, तुझे तो सर पे लेके चला ही होगा। क्या बाबा रे, क्या छुपाया तूने अंदर? दिखने में तो कितना सीधा है लेकिन लगता है अंदर तो बंदूक है। ओए ऊपर से नीचे तक चेक करना होगा इसको। अरे ये क्या मिल गया डक? या बाबा रे, क्या छुपा के रखा है? और केला, ये थकेले ने केला क्यों रखा है? ओए खाने के लिए रखा होगा लेकिन असली माल तो नीचे है। ए भैया किधर चेक कर रहे हो? सिक्योरिटी चेक कर रहा होगी और कुछ नहीं, तू उल्टा पुल्टा ना समझ ले। ए सॉरी भैया, तो दोस्तों आज हम खेल रहे हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी, जिसमें हमें एयरपोर्ट पे आते जाते लोग को चेक करना होगा ताकि इस जैसे को पकड़ पाए। पकड़ के ले जाओ पुलिस सर इसको और मस्त तरीके से डंडा मारना। चलो नेक्स्ट प्लीज। ये तो कितना सीधा लग रहा है। स्कैनर में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे कितना भोला है। अरे मेरा नाम भी भोला है। ओए भोले बहादुर, तेरे पास तो सच में कुछ नहीं है, तू जा यार। इसी मौके के लिए तो मैं सिक्योरिटी बना जा। यार चुप कर, टर्की का क्या है? हे यार अच्छे से चेक कर जाओगा, इस लड़की के पास कुछ तो मिल रहा है। अरे मैं चेक करूंगा। क्या रे, तेरे घर में मम्मी पापा नहीं है क्या? अरे है ना, बोलती है तो मिला भी देता हूँ। यू स्टूपिड नॉनसेंस। हे सॉरी मैम, लबू तू क्या बोल रहा है? हम इधर चेक कर जाओगा। हे मैम के पास कुछ तो मिल रहा है, मैम इसको हमें देखना होगा। ओके ठीक है, लेकिन जल्दी करो। अरे यार मैम, आपने पीछे भी कुछ छुपा के रखा है। ये क्या सामान है, लोशन टैबलेट? अरे यार लेकिन ये छुपा के क्यों लेके जा रही थी मैम? तुमसे इसको क्या मतलब? ये एयरपोर्ट के सिक्योरिटी के साथ कोई ऐसे बात करते हैं क्या? कोऑपरेट कीजिए मैम, नहीं तो मैं सिक्योरिटी के साथ साथ एक फौजी भी हूँ। और तेरा कर्तव्य बनता है लड़की को सेफ रखने का नल्ले। अरे मैम चलो कोई बात नहीं, इन सभी से मैं माफी मांगता हूँ। सबसे बड़ा ठरकी तो तू है, चलो मैं चलती हूँ। अरे मैम मैंने अप्रूव किया आपको और आप मुझे ऐसे बोलती हो, ठकरा के। चलो अब इसका इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इसने आखिरकार बंदूक क्यों लेके आया था। हेलो सर, क्या मैं जान सकता हूँ आप लोगों ने मुझे इधर क्यों लेके आए? ओए पहले तो बंदूक ही लेके आते हैं, जानना चाहता है तू? पापा पहले तू एक बंदूक लेके आया क्यों, ये बोल। अरे सर वो तो बस मेरे सिक्योरिटी के लिए लेके आया था मैंने। अब तू अपना सिक्योरिटी खुद करेगा तो हम क्या अपना जॉब छोड़ देंगे सिक्योरिटी गार्ड की? अरे सर लेकिन अपना सिक्योरिटी तो होता है ना। नहीं सर लेकिन ये तो इलीगल है, इसके लिए आपको जेल भी हो सकता है। अरे यार मैंने उसके लिए बहुत सारे पैसे दिए थे, काय का इलीगल। अरे सर नहीं, आपको जेल तो जाना ही होगा। अरे कैसे? अरे ऐसे चल, गुस्सा दिखाता है। हे मुझे तो इस बुढ़िया में पहले ही शक आ रहा है। ओ ऐसे नहीं बोलने का, पहले होगी पासपोर्ट देखते पहले। पासपोर्ट पे नाम है मियां जॉन्स और बुढ़िया ने नाम भी मियां जॉन्स बोला है। अरे लेकिन साल तो देखो, बुढ़िया बोल रही है 32 साल की लेकिन इधर 60 साल है। हे ये तो एकदम यार सीधा सीधा झूठ बोल रही है। ओए तो झूठ बोलने वाली को हम ऐसे छोड़ते नहीं। हे तो भाइयों क्या कहते हो, इस बुढ़िया को जेल क्या हुआ खिला दे क्या? चलो तो प्रोसीजर चालू करो। या पहले तो इसको चल, अब तू अरेस्ट होगी। इसका सबसे बड़ी गड़बड़ तो इसके साल में है, इसको चलो मार कर दो और इसका फेस में भी। हाँ यार 32 साल की कहाँ से लगती है ये, अब तो आपको तो जेल में जाना होगा। अम्मी है यार, चलो सॉरी यार, आपको जेल क्या हुआ खाना होगा। अरे तो नेक्स्ट प्लीज। ये तो एकदम सीधा लग रहा है, उम्मीद करते हैं इसका कोई गड़बड़ नहीं होगा पासपोर्ट पे। ओए वो तो देखने से पता चलेगा, नाम बोला स्टीवन स्कॉट। ओए ठीक है नाम, हर साल भी ठीक है, चल तू जा। अब तुम सभी एयरपोर्ट सिक्योरिटी के दूसरे स्टेज पे। ओए जो भी पासवर्ड पास हो गए ना, इधर तो अब तुम लोगों को हम पकड़ ही लेंगे। बस उन लोग को जो लोग आतंकवादी अपराधी है। ये क्या छुपा के लेके जा रही है? हे भाइयो ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमें इसको साइड में लेके जाना होगा। चल यार लड़की तेरे पास कुछ तो है, तुझे साइड पे लेके जाना होगा। ये पापा रे लगता है ये इलीगल तरीके से जानवर लोग का स्मगलिंग कर रही है। मुझे काफी नफरत है इन चीजों से। क्या रे किधर चेक कर रहे हैं तू? अरे चेक कर रहा हूँ, आप स्मगलिंग करे यार मैं चेक ना करूँ क्या? अरे रुकना ना, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। अरे देख लेना देख लेना। अरे यार तू क्या मौके का फायदा उठा रहा है, जाएगी जल्दी से चेक कर। अरे कर ही लिया तो। हे यार हमारे रहते हुए कोई भी ऐसे इलीगल तरीके से स्मगलिंग नहीं कर सकता, आपको पकड़ना होगा। अरे पुलिस हवलदार पकड़ लिया ना इसको, बाद में इसका तहकीकात करेंगे। ओए अभी तुम आ जाओ भाई साहब, आपके पास कुछ है तो नहीं? यप्पा पर देखो ऊपर स्कैनर में इसके पास भी कुछ दिखाई दे रहा है। हे यार मुझे तो ये सीधा साधा लग रहा था लेकिन लगता है ये भी एकदम टेढ़ा निकला। हाँ आजकल तो सूरत देख के कुछ होता भी नहीं है, ये भी कुछ छुपा के रखा है। अरे रुको यार दिखाता हूँ अभी क्या छुपाया है इसने। ओए ये तो सनस्क्रीन है। हे यार
यार, उधर सनस्क्रीन कौन छुपाता है, और इसके पास दूसरी और एक चीज भी है, वो भी निकाल ली। अरे तो ये दो चीज मिली है, ये तो एक बुक है और दूसरा सन लोशन। अरे लेकिन ये इधर छुपा क्यों रहा था? हे यार, मुझे ऐसे लोग से काफी नफरत है जो इन चीजों को भी छुपा के लेके जाते हैं। ओए ये तो सीधा सीधा बैग में भी डाल सकते हो ना, ओए पकड़ लो इसको, अगली बार से ऐसा गलती ना करे। हे भैया, लेकिन उसको भी एक चांस देना चाहिए था। अरे यार अच्छा हुआ, इन जैसे बहुत आदत है नमूने, देखो इन जैसे होना चाहिए ना जो एकदम साफ सुथरा। यहाँ आप जा सकती है मैम। हे यार, अब हमें उस लड़की का तहकीकात करना होगा। क्या रे, मेरा तहकीकात करेगा? अरे तू तो कितना प्यारा बिल्ला है, मुझे पकड़ेगा क्या? हे यार मैम, ऐसी बातें कुछ नहीं चलेगी इधर, आपको तो पकड़ना ही होगा। हाँ, तेरी तो रुक जा, किधर जा रही थी चमगादड़ छुपा के? अरे तेरे से मतलब, दरअसल मैं एक वैम्पायर हूँ और चमगादड़ मेरे दोस्त। हमसे व्यक्ति, तेरी तो रुक जा, तेरी तो रुक गया, तू नहीं ले सकती। अरे क्यों नहीं ले सकती? अरे वो मेरे दोस्त है बरनाबास। अरे प्लीज मुझे छोड़ दो ना। हे भैया, तो आप ही बताइए इस लड़की का क्या करना है? अरे करना क्या है, जेल की हवा खिला देते इसको भी। ये बिल्कुल रे। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, ये सही गया बिल्ला। ओए गलती से मैंने गलत वाली बटन दबा दिया लगता है। हे भैया, आपने तो गलती कर दी। लेकिन बिल्ले का गलती अब कुत्ता संभाल लेगा। या बिल्कुल, हमारे पास कुत्ता है, आगे बढ़िया कुत्ता, वो चोरनी की तरह उसको पकड़ना होगा। हे यार, वो चोरनी अपना भेष बदल के इधर उधर किधर छुपी होगी। हाँ ओए, उसकी तो ये तो नहीं है, ओए ये नहीं है। हे यार भैया, आपने भी यार गलती कर दी। हाँ यार, उसको पकड़ के जेल का हवा खिलाना था, ये बुढ़ा तो नहीं बन गई किधर, ये नहीं है। अब बाबर, तो वो लड़की चली तो चली किधर गई है, बुढ़ी औरत तो नहीं बनी है ना? अरे नहीं बनी है, अरे ये कही ये पुलिस ऑफिसर तो नहीं बन गई? हे यार ये भी नहीं है, और सिग्नल देखो इधर नहीं आ रहा है, हमें थोड़ा सा दूर जाना होगा उसको ढूंढने के लिए। जिधर से सिग्नल मिले उधर ही जाना होगा। ओए आगे बढ़ता रहा हमारा डॉगी। ओए इधर से सिग्नल मिल रही है, ये लड़की है, ओए छुपके किधर भाग रही है तू, रुक जा। हे ये तो निंजा बन के बैठी है। हे नहीं है ये, ओए तो ये देखो, ये निकला ये तो, ओए ये तो दूसरा वाला निकला। ये बमरे, ये देखो ये तीरों से धोनी सारा हो गई। अरे ये तो क्या कर रहा है, ये तो कुछ ब्लास्ट ब्लास्ट करने को बोल रहा है, जल्दी से पकड़ के ले जाओ इसको। अब जेल में ही जाके ब्लास्ट करना है यार, एक को पकड़ने के लिए आए थे लेकिन दूसरे को पकड़ लिया। यार लेकिन एक छिड़ गया, कोई बात नहीं अब इसको देख लेते हैं। ये बाबा रे, ये तो जेल का एकदम पोशाक पहन के बैठा है, लगता है भागना चाहता है। ओए लेकिन इसका पासपोर्ट तो अच्छा है, इसको छोड़ना होगा। हे भैया, उसको हम दूसरी स्टेज में देख लेंगे, लेकिन देखो इसको, मुझे तो इसके ऊपर शक आ रहा है। ओए इसके दांत देखो। अरे देखो रियल में इसका राइट पे है, अभी फोटो में लेफ्ट। ओए क्योंकि फोटो में ऐसे होता है, ये तो हम कुछ कह नहीं सके, लेकिन इसका नाम देखे। यप्पा पर इसने अपना नाम डेनियल स्मिथ बोला है, लेकिन इधर देखो इसका नाम नोवा वाइट दिखाई दे रहा है पासपोर्ट पे। और देखो इसका एज भी गलत है, इधर 65 उधर 45, इसकी तो रुक जाओ, पहले इसका फेस ही एकदम मार्क कर देते है। हाँ मुझे तो इसका फेस ही पसंद नहीं आया, ये तो फेस से ही गुंडा लग रहा है। ओए लेकिन होगी, कोई भी फेस से गुंडा नहीं होते, लेकिन ये गुंडा है। ओए तुझे तो हम जेल के हवा खिलाना ही होगा, और बाद में तेरा हम तहकीकात भी करेंगे। ओए चल अब तू पहले जेल के हवा खा ले भाई। हाँ चल चल जा, जब तक हम नहीं आएंगे तब तक भाई इसका मरम्मत करो बिल्कुल इसी तरीके से। मोहतरमा। हे लंबू, तू भूल मत एक सिक्योरिटी गार्ड है, और तुझे ये सब शोभा नहीं देती। हाँ यार वो शोभा तो कभी चुम्मा ही नहीं देती। हे तू क्या बोल रहा है लंबू? अरे सॉरी, अरे इसका तो देखो फेस कुछ अलग लग रहा है, पासपोर्ट भी कुछ अलग। ओए हाँ, इसका नाम नाम तो ठीक है, लेकिन इसका फेस गलत है। या बाबा रे, और देखो इसका नेशनलिटी भी गलत है, इधर असगार्ड बोल रही है और इधर देखो नेशनलिटी फ्रेंच। अरे इसकी तो रुक जाओ, ऐसे झूठ बोलने वाली लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हे मैम, अब आपको तो यार तहकीकात करने के लिए लेके जाना होगा। अरे पकड़ो इसको। या बाबा रे, और ये इतनी जल्दी में क्यों आ रही है? हे यार ये तो हमें घूस दे रही है। ओए घूस, ओ यार मुझे घूस पसंद नहीं है। ओए फौजी के आगे घूस, ओए लड़की को मैं ऐसे मारूंगा ना, ओए गन्ना चूस 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 के, जैसे एकदम लकड़ी बन जाता है गन्ना, इसका भी वैसे बना दूं क्या? हे भैया, हम कानून के अपने हाथ में नहीं ले सकते। वो भी देखो असली पासपोर्ट दिखा रही है ये। अरे देखो पहले ही एज में गलत है। हे तुम्हारा तो एज में ही गलत है, तुमको तो जेल की हवा खाना ही होगा। अरे जा, तुझे तो मैं बाद में तहकीकात करूंगा। लड़की घूस देने चली, तेरा तो मुझे फेस ही पसंद नहीं आया। हाँ ऐसे घूस देने वाले मुझे भी पसंद नहीं है, फिर तो भैया लेकिन एज में भी हमें कलर लगाना होगा। अरे वो तो लगाना ही होगा, सबसे बड़ा झूठ तो इसने एकदम एज में बोल दिया, इसलिए हमें घूस दिलाना चाहती थी ना तू। चल अब तू काले एकदम घूसर है भैया, इसको तो पुलिस ने भी मार दिया। घुस देने वाले को तो सभी मारते हैं इस तरीके से। अब सेकंड स्टेज, ओ ये डंगा बुंगा कहां से आ गया? अरे यार ऐसे कोई एयरपोर्ट पे आ जाए क्या? यप्पा भरे, इसने अंदर कुछ तो छुपा कर गया है, ये क्या कर रहा है? अरे यार इसने
ये तो एक पैसेंजर को पकड़ लिया। ओए पकड़ लिया, अब क्या करें? ये बाबर लेके चला गया ये तो। अरे जाने दो, अब क्या कर सकते हैं। ये देखो, ये एकदम वो चोर का पोशाक पहनने वाला अंदर तक छुपा के जा रहा है। मुझे तो उस वक्त इसके ऊपर शक आया था। ओए लेकिन इसका पासवर्ड सही था, लेकिन इसका डीएन गलत है अभी। ये बाबर, बस पासवर्ड सही होने से लगता है कि तेरे को हम तेरे को एयरपोर्ट से एकदम चेक से छोड़ के एकदम हवाई जहाज में बिठा देंगे क्या? अरे अब तो तू पकड़ गया बेटे, कुछ तो छुपाया था ना, एकदम नुकीली चीजें ऐसे कहाँ लेके जा रहा था? हे यार, तुम्हें तो अब कड़ी से कड़ी सजा होगी, और अब पीछे भी कुछ तो है। बाबर लगता है ये तो पूरा का पूरा प्लेन कोई उड़ाना चाहता था। अरे इसके पास तो TNT है, जल्दी से अरेस्ट करो पुलिस भाई, इसको छोड़ना मत। ओए इसकी तो यार धुलाई करा रहा, धुलाई। अभी अगर हम इसको इधर से छोड़ देते तो ये तो पूरा प्लेन कोई उड़ा देता। हाँ यार, बार बार हमने प्लेन को बचा ली। अरे तो आइए मोहतरमा, अरे ये तो एकदम सीधी लग रही है, अंदर को छुपा रही है, आपको तो जाना ही होगा फिर से साइड पे। यब्बा पर ऐसी जगह में कोई छुपाता है क्या? ये तो एकदम खिलौना निकला है यार, ऐसे बंदूकें वाले खिलौना और ऐसी चीजें ये पीछे को छुपाता है। ओए बस बंदूकें वाले खिलौना नहीं है, एक इसके पास स्पाइडर है और ये स्पाइडर का स्मगलिंग कर रही थी। हे यार सॉरी मैम, लेकिन आपने ये बिल्कुल गलती किया, आपको तो जेल किया हुआ खाना ही होगा। हाँ, जितना आपको सजा हो सके वो भी कड़ी सी कड़ी आपको सजा मिलेगी। हे इधर से आप भाग नहीं सकते, आपको जेल की आवाज तो खाना ही होगा। अब आए पाइए सर। अरे ये सर तो एकदम सीधा बोल रहा था, ये भी टेढ़ा निकला। ये बाबर आजकल इन लोगों को हो क्या गया है? ओए हर कोई आ जाता है सस्पेक्ट पे। और यार इतना पुलिस के कपड़ा पहन के आपको यार ऐसे सामान लेके आने में एकदम यार शर्म नहीं आती क्या? हे भैया, लेकिन पहले सामान तो देखना होगा ना। ओए मुझे पता है इसके पास रिवॉल्वर है, और वो भी एक नहीं, इसके अंदर चश्मा है, ये तो कोई बात नहीं हो गई। अरे लेकिन चश्मा भी उधर छुपाए क्यों? और पीछे भी एक गन। ये बाबर इसको भी अब तो कड़ी से कड़ा सजा मिलना चाहिए। हे अब आपको तो एकदम जीवन काल के लिए जेल के अंदर जाना होगा। जल्दी से जल्दी भाइयों इसको अरेस्ट करो, पुलिस भाइयों जल्दी से आ जाओ। अरे यार किधर रह गए ये, आओ ना जल्दी से पकड़ के ले जाओ, टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार। यब्बा पर अब लास्ट एक की बची है, चलो आ जाओ मैडम जी। हे यार इसके पास तो कुछ नहीं है, चलो यार आप तो एकदम पास हो गई। यब्बा पर लेकिन इसको पीछे तो मेरे को कुछ दिखाई दे रहा था। अरे यार ये कैंडी, कैंडी कौन लेके जाता है? ऐसे लोग को तो अरेस्ट करना ही होगा। अरे राम दुलाई होगा, इतना तो नहीं करना चाहिए था। यार अब ये बस आखिरी बची है, इसका चेक कर लेते हैं, और उसके बाद दोस्तों यार आज हमें यार अब दिन भर ये चेकिंग करने में ही लगेगी। हाँ दोस्तों, हमारा तो यही काम बन गया। आप लोग यार वीडियो देख के अब चले जा सकते हो, क्योंकि यार वीडियो अब खत्म होगी, और ये पीछे भी कुछ छुपा के रखी थी अंडरवेयर।